पुणे जिले के पाहिसी प्रखंड क्षेत्र के गागर पंचायत के वार्ड संख्या 11 अमीरगंज में 16 मार्च से 18 मार्च तक चलने वाली 3 दिवसीय हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन अमीरगंज हरिनाम संकीर्तन कमेटी की ओर से किया गया, जिसका शुभारंभ कलश शोभा यात्रा निकाल कर किया गया। इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में किशोर कन्या एवं महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर संकीर्तन स्थल से चलकर महानंदा नदी के तट पर पहुंची, जहां से सभी ने कलश में जल भरकर वापस संकीर्तन स्थल पहुंची। इस कलश यात्रा में किशोरी कन्या के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे हुए थे। जय श्री राम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग अष्टयाम कर रहे हैं। कलश यात्रा इससे पहले निकाला जाता है और कलश यात्रा के बाद आदिवास होता है और फिर अष्टयाम शुरू हो जाता है। आज भी हमारे गांव के सारी महिलाएं, इसकी संख्या लगभग 700 से 800 के लगभग में होगी, और सबको अगर मिला दिया जाए तो आज हम लोग लगभग 1200 के लगभग व्यक्ति यहां पर जमा हुए हैं। ये सारे लोग आते हैं, सर पर कलश रखते हैं, कलश को लेकर आते हैं और पूजा पाठ के साथ पूरे विधि विधान के साथ नदी में पूजा करते हैं, फिर पानी भरकर हम लोग वापस पूजा स्थल तक जाते हैं। कितने दिन का प्रोग्राम रखे हैं आप? ये कुल 3 दिनों का प्रोग्राम है। आज आदिवास है, आज को अगर छोड़ दिया जाए तो ये 3 दिन बचते हैं। कल से प्रारंभ होगा, लगभग 10 से 12 बजे के बीच अष्टयाम शुरू होगा और ये लगातार शनिवार रविवार तक चलेगा, और रविवार को ठीक इसी समय पर, जिस समय पर कल प्रारंभ होगा उसी समय पर रविवार को समाप्त कर दिया जाएगा। दूर दूर तक लोग शामिल होते हैं इसमें? हमारे हिंदू समुदाय के लगभग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ना, इधर सौराजावर से लेकर के इधर मरुआ हुआ, इधर पतनूर हो गया, रोहटा हो गया ना, किशनगंज जिला, पूर्णिया जिला, कटिहार जिला, लगभग इस 3 जिले के लोग तो आते ही हैं, प्लस बंगाल के जो बहुत सारे लोग हमारे हैं जो रिश्तेदार भी हैं और हमारे जाति के भी हैं या फिर हिंदू समुदाय में भी हैं, सारे लोग आते हैं। यहाँ तक के हमको इसमें जो है बहुत अधिक सुविधाएं मिलती है, और हमारे आसपास जो अन्य समुदाय के भी लोग हैं वह भी हमें मदद करते हैं, वह भी इसमें भाग लेते हैं, और यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस समुदाय के साथ साथ हमारे बगल के निकट के जो पड़ोसी समुदाय हैं वह भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कहाँ, कौन सी स्थान है ये? अमीरगंज है। अपना परिचय? मैं श्रवण कुमार बोशाक अमीरगंज का निवासी हूँ। हमारे यहाँ लगातार हर साल हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जाता है, और आज हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं की संख्या में जाके जो है कलश महानंदा जब में जाके जो है मतलब कलश यात्रा के दौरान जल लेके यहाँ पे मतलब स्थान में लेके आया गया। और कितने दिन का ये संकीर्तन समारोह चलेगा? ये आज मतलब कलश यात्रा है, कल से शुभारंभ होगा हरिनाम संकीर्तन का, और ये 19 को जो है ये विसर्जन होगी। कितने दूर दूर तक आते हैं यहाँ लोग इस हरिनाम संकीर्तन में? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे पूर्णिया हो गए, रायगंज हो गए, भागलपुर हो गए, बहुत दूर दूर किशनगंज से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। आज कलश यात्रा निकाल कर शुभारंभ किए हैं, कल इससे शुरुआत है, वीडियो के माध्यम से क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे अमीरगंज हरिनाम संकीर्तन कमेटी की ओर से सभी श्रद्धालुओं से नम्र निवेदन है कि हमारे इस कलश यात्रा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से जो है हमारे यहाँ हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ होगी, और आप सभी श्रद्धालुओं से नम्र निवेदन है कि सभी लोग यहाँ पे पधार के पुण्य का भागी बने और हमारे हरिनाम संकीर्तन को सफल बनावे। मेरा नाम विक्रम बोसाक, हरिनाम संकीर्तन अध्यक्ष। कहाँ से हैं आप लोग? अमीरगंज से। क्या नाम आपका? रिंकी देवी। लगातार हर साल इस तरह का कलश यात्रा निकाल रहे हैं, क्या इस बार भी उतने लोग शामिल हुए? हर साल होती है? यस। कितने लोग होंगे? हाँ, हर साल की तरह इस बार भी। कितने दिन का ये प्रोग्राम चलता है? 5 दिन का। 5 दिन। अमीरगंज से कल्पना कुमारी यादव। हजार लोग अमीरगंज। कितने दूरी होगा यहाँ से? आप 2 किलोमीटर। कितने लोग शामिल हुए इसमें? हजारों लोग शामिल होंगे। दीपक कुमार बसा। कहाँ से हैं आप लोग? अमीरगंज से। अमीरगंज से। क्या नाम हुआ? रासमणि देवी। कितने लोग आए?
हजारों में। कहाँ से आए हैं? अमीरगंज से। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार बसाक। कितने लोग इस शोभा यात्रा में शामिल? हजार से प्लस है। क्या हर साल होती है? हाँ हर साल होती है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें सेट 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।